तुम पागल है? राजाओं के राजा महाराजा गेट लगा रहे हैं अब। पहली बात तो ये कि मेरे बोर्ड के एग्जाम है। तकिए के कारण ठेस बुद्धि को बड़ा मजा आया। मैं जा रहा था अपने दोस्त की शादी में। सुबह सुबह अच्छे बच्चों की तरह मैं जल्दी जाकर मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। उठ जा भाई, उठ जा, सुबह हो गई। आज पता क्या है? जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए ठंड तो बहुत ज्यादा हो रखी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई बुराई नहीं, बहुत भयंकर कोहरा हो रखा है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर जैसा कि मुझे उम्मीद क्या थी इनके ना जागने की। देखिए सुबह के 8:30 से ज्यादा होने वाले हैं और ये अभी तक सो रहे हैं। लगता है घर वालों के घरद्रोही घोषित करने वाले रूल्स चेंज हो गए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तू तो गया बेटे, तुम पागल है, तू कुछ जगा दुआ। तो ये सोने का टाइम नहीं हो रहा। Excuse me, this is not a सोने का टाइम। तो ये पता है आज क्या है? आज श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, आज उनकी मूर्ति पधारी जाएगी उनके बाल रूप की। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हाथ में लाएगी, जय सिया राम। अयोध्या जा रहे हैं? हाँ। देखिए इन्होंने शर्म हाय लज्जा सब बेच खाई है। एक समय होता था तब लड़कियां 5-5 बजे 4-4 बजे जागती थी और आज ये 8:30 बजे तक इनकी तो नींद पूरी नहीं हो रही। 8:30 बजे तक तो हम क्या करें, अब हम अपनी किस्मत में ये लिखवा के आए तो 8:30 बजे तक ना। क्या ये जगह ऐसी है, यहाँ कोई आ नहीं पाता है जगाने के लिए हमें तुम्हारे अलावा। तुम खुद 8:30 बजे जगते हो जब हमें जगाने आते हो। दिस इज कॉल्ड साइकिल, राइट? साइकिल ऑफ जगाना है, साइकिल ऑफ जगाना। तो कल से देख तुझे 4 बजे उठाया करूंगा पानी डाल के। कसम तुम 4 बजे उठा दे करो यार, मैं पढ़ लेकर आऊंगा। ठीक है कल, ठीक है डन, डील डन हो गई। कल 4:30 बजे जगाने की। ओए जी खुद जग जाए 4:30। मैं जग जाऊंगा, मैं जग जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो। तुम्हारी चिंता ये सबसे ज्यादा मुझे। बाहर चल के देखियो कितना कोहरा हो रखा है, कितनी ठंड हो रखी है। देखिए चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, बड़ी भयंकर ठंड है। यहाँ तो बारिश भी हो रही है। बारिश नहीं कहते इसको, ड्रिजलिंग कहते हैं। स्नोफॉल, एक्चुअली इसको हम ड्रिजलिंग कह सकते हैं, मतलब फुहार जैसी चीज। यहाँ पे कश्मीर आ गया है। ये बहुत अच्छी बात की आज हम पायल के हाथ की चाय पियेंगे, वो भी उधर चूल्हे पे, और हम राखी के हाथ के पकौड़े खाएंगे। पकौड़े बनाने नहीं आते। आज तू सीखेगी पकौड़े तलना, तू आज पकौड़े तलना सीखेगी। आज तेरा ट्रेनिंग पीरियड है और इसके हाथ की चाय पियेंगे और ये सबको सिखाएगी। तुम दोनों की बड़ी बहन है ना, पार्टनर। देखिए ऐसा होता है किचन में ना लक्ष्मी माता का वास होता है, तो आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी से नहा धोकर आ जाइए। बाल भी धोने हैं तुम्हारे जैसे बाल नहीं बनाते। आज मुझे कल की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा कोहरा दिख रहा है, मगर एक बात तो है कि सर्दियों में ना मुझे अपनी एरिया की खूबसूरती थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। ये देखिए उधर हमारी भैंस खड़ी है, थोड़ी एस्थेटिक सी जगह लग रही है। और अभी रुको, तुम सभी का ब्रेकफास्ट का इंतजाम करता हूँ, तेरा भी करता हूँ। मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये ले आया मैं रोटी, आ जाओ। ये ले तू भी ले। गिरा होता, गिरा। ए स्ट्रगल कर सर्वाइव कर गया। आज ना बादल और हो रहे हैं, अंधेरा सा होता जा रहा है। हॉन्टेड सी जगह लग रही है देखने में, मगर ये हॉन्टेड नहीं है। चलिए बहुत होगी ड्रामेबाजी, नहा लेता हूँ अब, पूजा भी करनी है। प्राण प्रतिष्ठा जो है आज श्री राम जी की। जय श्री राम, मिलता हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। चलिए नहाने के बाद अब मैं दिया जला लेता हूँ मंदिर में। पूजा तो हो गई, अब मैं चल के देखता हूँ कि चाय पकौड़ों के क्या अपडेट है। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तुम तो बोलो, तुम भी तो भारत की बच्ची हो। ये बता चाय पकौड़ों की क्या अपडेट है? अब तुम बनाएंगे जब ही तो बनेंगी। भाई चाय की जिम्मेदारी इसने ली थी, पकौड़े की जिम्मेदारी तूने ली थी, और इंस्ट्रक्टर तुम्हारी ये बनी थी। तो भाई अब इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर रहा है हमें, तो अब हम क्या करें? जा ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? तो तू बोलेगी तभी तो जाएंगे। चलो यार, ये कोहरा तो अभी तक नहीं छटा। ये क्यों छटेगा? कल कुछ बच्चे आए थे झंडा दे गए थे, लेके आइयो।
जय श्री राम का। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का दिन किसी दिवाली से कम नहीं, क्योंकि आज सदियों का इंतजार खत्म होने को आया है, क्योंकि आज फाइनली श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मतलब एक तरह से श्री राम जी फिर से अयोध्या आए हैं। आज 22 जनवरी को राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, और इतने बड़े मौके पर पूरे देश में खुशियों की लहर उठी हुई है। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री राम। जब तक वो तीनों चाय पकौड़ों की तैयारी करके ला रही हैं, हम पीछे आकर आग लगाते हैं। मतलब कि यहाँ घर के पीछे इस चूल्हे में आग लगाते हैं, और इसमें आग लाएंगे हमारे ये विदेशी चाचा, क्योंकि ये आग लगाने में बहुत ज्यादा माहिर है। माहिर हूँ मैं, इसकी जिंदगी में भी आग लगा दूँ भाई, मेरे को माफ कर दो। सुन, उन तीनों को बुला लेते हैं। मतलब कि ठेस बुद्धि ठीक ठाक बंदा और पुनिया को भी हमें बुला लेना चाहिए। वैसे तो मन नहीं है बुलाने का, लेकिन फिर भी बुला लेता हूँ। फोन कर, फोन डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। जल्दी आ जा, बस इतना कहूंगा। हेलो, जल्दी आ जा। तो देखिए, बहुत ही आदरणीय पूर्ण तरीके से उन तीनों को इनवाइट कर लिया है। मतलब कि दोनों को इनवाइट कर लिया, ठेस बुद्धि तो फोन ही नहीं उठा रहा। मतलब कि उसका फोन बिजी जा रहा है, कहाँ बिजी जा रहा है ये मुझे भी नहीं पता। उसको पता होगा तो उसे पूछ लूंगा, अगर आएगा तो शायद मे भी। देखो विदेशी चाचा तो किसी काम के नहीं, उनसे आग लगाने के बोली थी, और मैंने भी बहुत कोशिश करी इसमें आग लगाने की, लेकिन मुझसे भी ना हो पाई, क्योंकि आग लगाने में तो लड़कियां माहिर होती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कंडे ये तो गीले हैं, लकड़ियां सूखी हैं, बढ़िया ये अच्छी हैं। ये लो लकड़ियां। विस्की डल गई अब इसमें। ओ, ये कहां से ले आई? देखिए दोस्तों, ये दारू पीती है, रॉयल ग्रीन विस्की। मैंने तो दारू पी पी के छोड़ दी, एक दिन मुझे नशा हो गया था उस दिन से। मैंने बोला था ना, ऐसी लड़कियां आग लगाने बहुत माहिर होती हैं। मैंने नहीं लगाई, इसने लगाई है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही कैटेगरी की होती। इसकी कैटेगरी से अलग हूँ मैं भी, अलग हूँ। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ कंडे गीले सूखे नहीं है, है तो अब हम जा रहे हैं चोरी करने। भैया किसी को बताना मत, मैं चोरी करने जा रही हूँ। भैया ताऊ जी के यहाँ से कंडे चोरी करने जा रहे हैं हम। ताऊ जी के यहाँ से? हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे कंडे हैं, पर क्या करें। देखो हमारे यहाँ पे कितने सारे कंडे हैं, पर सबकी सब गीले हैं, इसलिए हम जा रहे हैं ताऊ जी के यहाँ। आ जाओ भैया, फॉलो मी, किसी को बताना मत, बस मुझे ही पता रहती है ऐसी चीजें। ओ वाओ, ये देखो गेट है ये। हाँ तुम ही खोलो, वैसे मुझे खोलने नहीं आएगा वो, जल्दी खोला। थैंक यू, जय हो माता रानी की। मैं प्रवेश हो गई हूँ अब इस गेट में, आ जाओ। ओ माय गॉड, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, ये देखो ताला लग रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे? ताला तोड़ेंगे। दोस्तों मुझे चाबी मिल चुकी है, जाओ ताला खोलिए। ये बहुत ही विराट ताला है, इस पे विराट लिखा है, विराट ताला है ये। खुल जा सिम सिम खुल चुका है। अब इस यहाँ पे बस ये नहीं पता कि कंडे है कहाँ। कंडे उस वाले कमरे में। ओ ये रहे। अरे वाह, यहाँ तो कंडों का कंडा है। चार पांच कंडे ले ले, बहुत है। आपको क्या चाहिए? राजाओं के राजा महाराजा गेट लगा रहे हैं अब। मुझे तुम विदेशी पर्यटक लगते हो, इसलिए। तुम इतने सुंदर हो, तुम्हें नजर ना लग जाए। और हमारी बिना पंखों की परी पूरा योगदान दे रही है, वाओ। और ये रानियों की रानी महारानी गेट में आते हुए। अब गेट लगा दो। इतना अच्छा गेट है, इतना मजबूत गेट है, कोई पार नहीं कर पाएगा। और चोर तो बिल्कुल इसमें से देख भी नहीं सकते। चोर तो इसमें से देख भी नहीं सकते। ये देखो कुंडी लग गई इसकी। मेरे शूज गंदे हो रहे हैं भैया, क्योंकि तू खुद गंदी है इसलिए तेरे शूज गंदे हो रहे हैं। अभी परी उड़ गई होती। टमाटर अभी कच्चे हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से आप पपाया ले सकते हैं, जो सबसे बचपन में सबसे सरल स्पेलिंग मुझे इसी की लगती थी, PAPAYA, पपाया। वाओ, यहाँ पर ठीक ठाक बंदा और पुनिया भी आ चुके हैं। इनको बुलाया किसने था खाने के लिए? मैंने ही बुलाया था वैसे तो। राम राम, राम राम। और वैसे ओए ठेस बुद्धि मेरा ही फोन नहीं उठा रहा था। मैंने ठेस बुद्धि फोन करे तो उसका फोन बिजी जा रहा था, और उसने फिर कॉल बैक भी नहीं करी। आई डोंट नो वेयर इज ठेस बुद्धि। वो जाके नाखून देगी। ओह माय गॉड, इसके अपने देखिए, ओ तेरे गंदे हो रहे हैं ये मेरे। देखो मैं सबसे अच्छी बच्ची हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि नेल्स रखने जरूरी नहीं होते। सही बात है, मैं नहीं बताया था वैसे। क्या हो रहा है? अब पकौड़े बनाओ इससे। चालू है गा? देखो मैं सामग्री ले आई हूँ सारी डोडो के। देखो सामान, देखो हमारा। और ये भैया है,
जाके कुछ भी नहीं करते, बस ये कह देते हैं मैं तो व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। और ये हमारे भैया जी तो ये तो चुपचाप रहते हैं, और ये तो अपनी फैशन में लगे रहते हैं, और ये अपने उदम में लगे रहते हैं। ये लिपस्टिक लगा के आया भैया, ये हमेशा लिपस्टिक लगा के रहते हैं भाई, लिप बाम है। ऐसे ऐसे कहना नहीं चाहिए वैसे। वाओ, खाट पर रखी रखे चाय बनेगी है, ये क्या तरीका है चाय बनाने का? सामग्री डल लिया से बहुत ही गंदा टेस्ट आता है चाय में। मुझसे बेस्ट कोई भी चाय नहीं बना सकता, तो भैया आप बनाइए ना। इससे बेस्ट कोई चाय नहीं बना सकता, तो आज पुनिया बनाएगा चाय। मैं बताऊं पुनिया भैया के हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए ये आज पकौड़े बनाएंगे। वैसे पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी आपने ली थी, तो ये मेरी तो जिम्मेदारी देना। मिर्च डाली, अब बता कितनी डालूं? डाल तो अभी इस पे आता ही नहीं है। वाटर कहते हैं इसको, आप नहीं समझो तो नहीं, इसे कहते हैं जल, इसको कहते हैं नीर। ओके, तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे। वेलकम सस्ते से ब्रेड पिट। पकौड़े में पालक भी डालेगी भैया? वो है अनाज का, मैंने तो कभी खाई नहीं। बस मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे बस सिर्फ आलू के पकौड़े अच्छे लगते हैं। भैया का दिमाग देखो, सबसे सरल काम खुद ने ले लिया है, इससे पता चलेगा कि ये काम इन्होंने भी करवाया है। काटने भी नहीं आता यार, मुझे भूख इतनी तेज लग रही है, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है कि कच्चे बेसन को भी खा सकती है। कच्चे बेसन को नहीं, मैं पके 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 पकौड़े खा सकती हूँ। वो हमारे पंकज भैया बनाएंगे, नहीं तेरे को बनाना सिखाऊंगा आज मैं। तुझे पकौड़े पसंद है? कौन से वाले? पके वाले। पके वाले पकौड़े, वाओ। और ये एक जावाज तैयार है, हाथ में हथियार लिए पकौड़े तलने के लिए, वाओ। मर्द जब प्यार में डूबता है तो उसे दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता। तो मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ। तो बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर पकौड़े तलने का सिलसिला जारी हो चुका है, और तू बहुत मक्कार है। मैं बढ़िया हूँ यार, मैं क्या करूँ। पकौड़े हमारी अनामिका जी बना रही है, जो सबसे बढ़िया लड़की है इन सभी के बीच, और इसका तो कुछ अता पता भी नहीं है, चाय कब बनेगी, कब कैसे कहाँ बनेगी। पहले देखो, बन जाए। देखो मैं भी इनको चलाऊंगी। हेलो ब्रेड पिट। हेलो, अब इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा पक गया? बता दे भाई। हे माता रानी, मुझे कुछ संकेत दो कि कौन सा पक गया कौन सा नहीं पका। खा के देख, खा के उठा के। पहले तो ये धुआं को बंद करो भाई। ये ले धुआं 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 बेतकू भैया, पकौड़े पकौड़े एतकू पूरी। चलो तो मैं एक खा के देख। मुझे भी टेस्ट करी जल्दी। मास्टर साहब आए खाने के लिए। टेस्ट करा। थैंक यू सो मच। पकौड़े तो काफी अच्छे हैं। बनाए भी तो राख ही नहीं है। क्या कह रही है? मैंने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छे पकौड़े लग रहे हैं। देखो मैं और खा के बताती हूं। पकड़े पलटा पजर गए। ओ जी पजर गए। ये खाए पे ध्यान दे रही है बस। ये देखो फिर आ गए क्रेडिट लेने। देख रहे हैं कि बात हमने सुन। बिना ज्यादा ड्रामा किए जल्दी से पकौड़े चाय बनाकर तैयार कर, मैं पापा को बुलाता हूँ और तेरी मम्मी और अपनी मम्मी को भी। तो ये क्या बनना है? मैं कह रहा हूँ बिना ज्यादा ड्रामा किए। तो मैं ड्रामा कर रही? और यहाँ पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की लाइव टेलीकास्ट हो रही है, और ये बड़े विदेशी बाबू मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी को यहीं से श्री राम जी के दर्शन करा रहा है। वाओ, तो ये दोनों चाय बनाकर आ चुकी है, वेरी गुड। चाय और बनी आएगी। कप वगैरह कहाँ है? थैंक यू। थोड़ी सी टेस्ट तो कराओगी चाय तुमने बनाई कैसी है? बनाई किसने? सही सी बताइए। नहीं बनाई है भाई, मैंने नहीं बनाई है। थैंक यू। भाई मेरा टेस्ट, मैं पीऊंगी तो और अच्छा टेस्ट आएगा। कैसी है? कैसी है? चीनी की टेस्ट कर रहे हैं गाइस, चीनी टेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी चीनी कम रह गई है सही में। चीनी मिला दे इसमें, अभी ऊपर से मिला दे, सही बन जाएगी। मैं रख जाएगी भाई चीनी। कर ले। मैं ना हूँ यार, तुमने 10 बजे चक्कर लगवा दे, हम लड़की है मशीन नहीं है। पकौड़े बनते ही पिताजी भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। प्यार में डूबे मर्द को होश आ गया। बस भेजने का थोड़ी सी दो, थोड़ी थोड़ी दे रहा हूँ। हाँ शर्म तो तुम्हें बहुत आनी चाहिए, खाने लग गए उन्हें तो बुला लो। तो अब समय हो गया है हमें पकौड़े खाने का, मैंने तो खा भी लिया। ये पकौड़े मैंने बनाए हैं, कैसे लग रहे हैं आप सभी को? खाओ सब जने, बहुत अच्छे बने हैं। मैं अनामिका दीदी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच वेरी मच। जल्दी जल्दी खा लो भाई सब लोग। ये देखो मैं खा देता हूँ। बुद्धि ना है, चाहते हुए कर रहे हैं, बहुत बदतमीज लड़का है। पकौड़े कैसे हैं?
अच्छे हैं। जा चटनी ले, चटनी हरी वाली चटनी, वो लाल वाली चटनी। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में चाय पकौड़े खाकर आनंद तो बहुत सारा आ गया, मगर अभी मुझे चिंता है ठेस बुद्धि की वो है कहाँ पर। तो चले ठेस बुद्धि की खोज में। वो अपने घर पे होगा, अपने घर पे होगा, लेकिन उसको खोज के बाहर निकालते हैं और उसकी कुटाई कर देते हैं। मेरी आंख में धुआं चला गया। पहली बात तो ये कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, दूसरी बात ये कि वो बोर्ड के तो मुझे देने पड़ेंगे, और तीसरी बात ये कि तुम ज्यादा घूमते रहते हो, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आता है फिर मैं देख के, और चौथी बात ये कि पेपर खत्म होते ही मुझे ट्रिप पे ले जाना है, ट्रिप पे। देखो ऐसी बात है, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आपको ट्रिप पे ले जाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सोलो ट्रिप पे ले जाऊँ, कैसा लगेगा सर, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो देखो बढ़िया रहेगा, जब मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं आपको एक सोलो ट्रिप पे ले जाऊंगा, बस खुश। 10 मिलियन हो जाएंगे तो? 10 मिलियन हो जाएंगे मेरे, उस दिन मैं आपको इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाऊंगा, स्पेशली आपको। कौन सी जगह इंटरनेशनल? बहुत ही अच्छी जगह पे। कौन सी ट्रिप? तो फिर #2 मिलियन फॉर राखी की सोलो ट्रिप एंड #10 मिलियन फॉर इंटरनेशनल ट्रिप। 10 मिलियन, 10 मिलियन ठीक है, तो पहले 2 मिलियन होने चाहिए, मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, कब तक हो जाने चाहिए, मेरे पेपर खत्म हो जाए, जब तक मेरे पेपर खत्म हो गए 19 मार्च को, जब तक 2 मिलियन हो जाने चाहिए, मुझे नहीं पता। और यहाँ इनका बहुत ही गंदा सा फोटो शूट चल रहा है विद हमारे विदेशी चाचा जी, जो कि फोटोग्राफर बने हुए हैं, जो कभी अच्छे फोटो नहीं खींचते लेकिन आज अच्छे फोटो खींचेंगे शायद, मे बी। क्या कह रही है? कान में बताऊंगी, फेयरवेल आ रहा है, साड़ी डब्बा लाओ, साड़ी कहते हैं उससे, साड़ी ठीक है। कितनी तारीख को है? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को, कोई नहीं, 10 फरवरी में अभी बहुत सारा टाइम। कौन सी फरवरी? 10 फरवरी फरवरी चलिए अभी चलते हैं ठेस बुद्धि की खोज में हरीश भैया की बुलेट उठा के, और सोच रहा हूँ कि एक दिन इसमें मॉडिफिकेशन करा लूं, जैसे कि इसका साइलेंसर चेंज करा दूं, क्योंकि जब ये दहाड़ दिए तब ज्यादा अच्छी लगती है, और हरीश भैया तो घर पे है नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे हाथ आई है। या। तो देखिए मैं ठीक ठाक बंदे के पास आ चुका हूँ, इसको बिल्कुल भी होश नहीं है कि मैं इसके सामने खड़ा हूँ। राम राम। और यार विदेशी चाचा ने बोला कि ऐसे काम नहीं करने, तो नहीं करने। मुद्दे की बात यह है कि मैं ठेस बुद्धि को ढूंढने आया था, तो चलिए पहले ठेस बुद्धि को फोन करता हूँ, कहाँ है ठेस बुद्धि? ठीक ठाक बंदे जी, कृपया करके ठेस बुद्धि को फोन लगाइए। हेलो, कहाँ है? राम राम। ख्यालों में? वाओ, अब एक काम करो, अपने ख्यालों में घूमो। वाओ, ठेस बुद्धि महाराज हमारे आ चुके हैं। कैसे हो? जय श्री राम ठेस बुद्धि, जय श्री राम। ये ठेस बुद्धि महाराज आ चुके हैं और इनका स्वागत बड़ी जोरों से होने लग गया है। वेरी गुड, कृपया करके इस स्वागत में मुझे भी शामिल होने दीजिए। भाई मुझे क्यों मार रहे हो? तकिए के कारण ठेस बुद्धि को बड़ा मजा आया मार खाने में। इन दोनों ने तकिए लगाकर इसको खूब मारा, अच्छे से मारा, बहुत अच्छे से मारा। ठेस बुद्धि की आंखें देख सकते हैं, और ठेस बुद्धि की मेरे प्यारे इतने ठेस बुद्धि की एक चीज टूट चुकी है, जिसके टूटने के बाद आवाज तो नहीं आती लेकिन आंखों से दर्द बहुत झलकता है। इसका दिल टूट चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि ठेस बुद्धि के पिताजी मेरे बड़े भाई लगते हैं, और ये अपने पिताजी के बड़े भाई। अपने पिताजी के बड़े भाई को बड़े पापा है। इसके पिताजी मेरे भाई लगते हैं, इसके पिताजी का मैं छोटा भाई लगता हूँ, जिस कारण ये मुझे बुला सकता है छोटे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो। तो जैसा कि ठेस बुद्धि के पिताजी मेरे बड़े भाई लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आ जा मेरे गले लग जा, मैं तेरा चाचा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप। तो अपने ताऊजी को बड़े पापा बुलाता है। भाई भैया जय श्री राम, मैं तेरा चाचा लगता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, तेरे पापा का छोटा भाई मतलब। आए, आए।
अभी अभी पापा का फोन आया कि घर पे श्री राम जी के भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो लड्डू लेकर जा रहे हैं। लड्डू तो नहीं, मैं बूंदियां लेकर आता हूँ। और आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आस पड़ोस की सारी औरतें श्री राम जी के भजन कीर्तन में मग्न है और पिताजी उनके प्रसाद की तैयारियां कर रहे हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये लो प्रसाद खाओ, श्री राम जी का प्रसाद, ये लो आप भी खाओ। थैंक यू वेरी मच श्री राम जी, आप भी खाओ, चलो भगवान जी आप भी खाओ। तो अब मैं जो बताने जा रही हूँ उससे आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ कि अमित भैया के दोस्त की शादी है। हाँ, मेरे दोस्त की शादी है, जो मेरे साथ पढ़ा था, जिसके साथ मैं भी पढ़ा हूँ, उसकी शादी है। पर अब भैया के पास कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, और उसकी सबसे पहले उसी की शादी हो रही है जिनके साथ मैं अब तक पढ़ते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि उसकी जल्दी शादी हो रही है, अगली शादी भैया की। कोई बात नहीं, मैं उसकी शादी में पहुंचता हूं और मेरे साथ मेरे एक दो दोस्त और जाएंगे और मैं आपसे वहीं मुलाकात करता हूं। ओके। तू सो जा तब तक। नहीं। तो बात कुछ ऐसी होती कि मैं जा रहा था अपने दोस्त की शादी में, तो मेरा एक और दोस्त आ गया जो बचपन से मेरे साथ ही पढ़ते आ रहा है, और ये देखिए बहुत अच्छे कपड़े पहन गया है, काफी लंबे बाल रखा लिए, बाल देखा अपने, काफी अच्छे बाल है इसके, और ये ना प्रोफेशन वाइज लॉ कर रहा है, तो क्या जरूरत थी तुझे वकील बन के आने की। अरे वो क्या है, दोस्तों ने कोट रख दिया है तो ब्लैक आ गया पहन के मैं। मतलब तू वकील है तो तू अपनी वकालत हर जगह खोलेगा। शादी में जा रहा, डिवोर्स कराने नहीं जा रहा, ये ध्यान रख ले। बढ़िया लग रहा है, तो तूने शेविंग हटा लिया, तो दाढ़ी हटा लिया, तो चलिए चलते हैं, दो दोस्त और हैं, उनको भी उठाते हैं गाड़ियां, फिर निकलते हैं सीधे, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। ठीक है, इंट्रो करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अभी मैं अपने दो और मित्रों का इंतजार कर रहा हूँ, आने दो उन्हें। आजा भाई आजा। अरे हमारे राहुल सोनकर जी आगे, अपना बाकी का शरीर और ले आते। अरे इधर आना। अरे एक और आगे भाई, गेट भी खोलना होता है भाई। अच्छा गेट भी खोलना होता है, ये लो भाई। क्या हाल है पाड़े? ऑल सेट फॉर दोस्त की बर्बादी, चलो। वैसे इतना जोश में क्यों आज है? सर्दी बहुत अच्छी होती है और कोहरा भी बहुत ज्यादा होता है, और फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ अपने इस घनिष्ठ मित्र की शादी में। इसे देख के थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। हाँ भाई आ रहा हूँ। मैं इसके पास पहुंच जाता हूँ और इसको टिप्स मैं क्या ही दूँ, इसको कोई भी टिप्स नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं इसको बेतुकी टिप्स देने लग जाता हूँ। वैसे हंस जाता तो अच्छा लगता। नहीं बहुत है बहुत है, तू खा ले भाई कुछ। नहीं भाई कुछ नहीं खाना, आधा शरीर लेकर आएगा तो कहाँ से खाएगा भाई। शर्म आ गई मेरे कैमरे को, मेरे कैमरे को शर्म आ गई, बंद कर लेता हूँ भाई। यहाँ हम सभी मित्र आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पुरानी पुरानी, क्योंकि हम सभी एक साथ पड़े हैं, और वहाँ वो इंतजार में बैठा है। देखो आशीष, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन से आया हूँ कि आपकी वजह से सामने जनता में से कोई ना कोई मुझे जरूर देख रहा होगा, इसलिए मैं सिर्फ अटेंशन खींचने आ गया हूँ। मुझे कोई शौक नहीं तेरी वीडियो बनाने का, ठीक है, और मुझे कोई शौक नहीं तेरे को तेरी तारीफ करने का, ठीक है। ओके थैंक यू सर, चल छोड़ रूम में, स्माइल कर अभी, हट जा सामने से। तो देखिए बात ऐसी होती है कि हमारा जो दोस्त है उसने अपनी शादी के लड्डू खा लिया है और आगे चल के भी खाता रहेगा, अब आगे चल के कौन खाना चाहता है ये मुझे नहीं पता, तो अगला शादी के लड्डू कौन खाना चाहेगा? अमित का नंबर है, अमित का, मेरी शादी का लड्डू इसी का नंबर है। मेरी शादी का लड्डू खाने के लिए तुम सभी को बहुत भूखे बैठे हैं, बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कब खा लूंगा, मैं तुम्हें इनवाइट भी शायद ना करूं। बेटा हम बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम बिन बुलाए आ जाओगे तो हम साइंस की तरफ जाएंगे, मगर आप तो साइंस में फेल हो गए थे। नहीं हुआ था फेल, मेरे 90% आए थे भाई दोस्तों, ये साइंस में फेल हो गया था और ये LLB करने पहुंच गया, और पता नहीं क्यों ये वकील बन के घूमता है हर जगह, इतना भी क्या ऑब्सेशन है आपको अपने प्रोफेशन से। इसकी बात तो मैं बता रहा, मैं तो कॉलेज का हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाई, तू पहले अपना आधा शरीर लेके घर से जा, ठीक है। और कौन बचा? और हमारे ये सर बचे हैं, थैंक यू सर। वैसे आप करते क्या हैं, आप मेरे को ये बताएंगे थोड़ा? आई एम एन एक्टर, आई एम अ डॉक्टर। कहां से एक्टर हो, दांत दिखाना अपने, ये करो, ई स्माइल दिखाओ, स्माइल दिखाओ, एक कैसे एक्टर, स्माइल करने में डर के भाई, कैसे एक्टर है, इधर आओ, फोटो वोटो नहीं, फोटो वोटो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बोरिंग ब्लॉग देखने के लिए, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक मजेदार वीडियो के साथ, बोलो जय सियाराम।